अब पृथ्वी के बाद सूर्य भी खुद को कर रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन ऐसा जिसका अंजाम सिर्फ हमारी पृथ्वी को ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल को भुगतना पड़ सकता है। नासा का कहना है कि सूर्य में दिखने वाले काले धब्बे यानी सन स्पॉट अब दिखना बंद हो गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस घटना को सोलर मिनिमम कहा जाता है, जिसमें सूर्य की शक्ति कम होने लगती है, या यूं कहें कि सूर्य ठंडा पड़ने लगता है। आखिर क्यों हो रहा है सोलर मिनिमम और क्या है ये काले धब्बे, चलिए जानते हैं। सूर्य में दिखने वाले काले धब्बे एक तरह का चक्रवात होते हैं, यानी सूर्य में उठने वाला तूफान। ये तूफान इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर हमारी पूरी पृथ्वी भी समा सकती है। इसका आकार 100 किलोमीटर से लेकर के 1.5 लाख किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, और इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस से 4200 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इन तूफानों के कारण सूर्य अपनी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, और इन्हीं तूफानों के कारण सूर्य को उसकी शक्ति मिलती है, और इन्हीं तूफानों के कारण हमारी पृथ्वी में गर्म हवाएं भी चलती हैं जिससे हमारा वातावरण बना रहता है। पर अब जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहा जा रहा है कि सूर्य अब ठंडा पड़ रहा है यानी शांत हो रहा है, जिसके कारण सोलर सिस्टम में कॉस्मिक रेस बढ़ने लगी हैं। कॉस्मिक रेस बढ़ने से हमारे पूरे सौर मंडल पर इसका बहुत ही दुष्परिणाम पड़ने वाला है। ज्वालामुखी फटना शुरू होंगे, ठंड बढ़ने लगेगी, सूखा पड़ेगा, भूकंप आएगा, और सबसे ज़्यादा असर हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट पर पड़ेगा। और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी के मौसम में इतने बदलाव नज़र आ रहे हैं, जैसे तूफानों का आना, भूकंप और बहुत कुछ। और शायद अम्फाल भी इसी का एक नतीजा है, जिसने भारत पर भारी तबाही मचा के रखी है। कुछ ऐसी ही घटना 1790 से 1830 के बीच घटित हुई थी, जिसे डाल्टन मिनिमम का नाम दिया गया था। तब पृथ्वी में ठंड बहुत बढ़ गई थी, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटे थे, और करीब 72,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा हर 1100 से 1200 साल में होता है, पर इस बार के सोलर मिनिमम को आइस एज के बाद का सोलर मिनिमम बोला जा रहा है। अब अगर सूर्य में चक्रवात आना ना शुरू हुए और काले धब्बे दोबारा ना दिखाई दिए, तो आने वाले समय में हमें आइस एज का सामना भी करना पड़ सकता है, और पृथ्वी को जमने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या आप पृथ्वी में आइस एज के साथ जीना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।